नेशनल एजिटेशन कमेटी कर्नाटका सदाशिव नगर बैंगलोर कर्नाटक दिनांक 15 फरवरी 2022 ईपीएस 95 पेंशनर्स की बैठक सफलता पूर्वक संपन्न कर्नाटक के सभी जिलों से सभी कंपनियों संगठनों के एप्स 95 पेंशनर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी नेताओं के लिए बुलाई गई थी बैठक। बैठक में कुल 130 नेता उपस्थित। श्री के एस मंजुनाथ द्वारा मंगलाचरण से हुई बैठक की शुरुआत सभी गणमान्य नेताओं द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का हुआ उद्घाटन। एनएसी के प्रांतीय उपाध्यक्ष श्री एस नागराज ने किया स्वागत भाषण। वीर शिव महासभा की राष्ट्रीय सचिव श्री रेणुका प्रसन्ना व श्री एस गुरुस्वामी जिला अध्यक्ष वीर शिव महासभा बेंगलो ने सभा को संबोधित किया व दोनों ने पेंशनर्स की मांगों को मंजूर करवाने हेतु हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। सभी नेताओं से अनुरोध किया गया कि एनएसी को और अधिक कैसे मजबूत किया जाए, इस विषय पर सभी नेताओं से मांगे गए सुझाव। एनएसी अध्यक्ष माँ कमांडर अशोक राउत जी ने वीडियो कॉल के जरिए सभा को संबोधित किया व उन्होंने संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए कहा और साथ ही माँ वित्त सचिव भारत सरकार नई दिल्ली के साथ संपन्न हुई बैठक के विषय में अपना अनुभव सुनाया। माँ एनएसी चीफ ने पेंशनर्स की मांगों को मंजूर करवाने हेतु एकजुट होकर संघर्ष करने हेतु प्रेरित किया व सभी कंपनी संगठन के नेताओं को अपनी जायज मांगों के लिए एक बैनर तले आने की अपील की। श्री रमाकांत नरगुंड मुख्य समन्वयक दक्षिण भारत ने बैठक का समापन भविष्य की कार्य योजनाओं और उसके कार्यान्वयन के लिए समिति के गठन के साथ किया। निम्नलिखित कंपनियों संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। एनएमडीसी, एचएमटी, टीएपीसीएमएस, केएमएफ, केपीसीएससी, बीएफपीएल, शार्डलो, आईटीआई, डीसीसी बैंक, भद्रा शुगर्स, गंगावती शुगर्स, एसएसपीएल, एमआईसीओ, जेके टायर्स, केएससीएमएफ, मैक्को, एएचआई, एनटीसी, डब्ल्यूकेडी, आईटीजी, महिला बैंक, किर्लोस्कर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, एसएमआईओआरई, केएफडीसी, एलआईडीकेएआर, एचएएल, बीएमएल, बीडीसीसी बैंक, हर्बर्ट, क्रिडल, एनजीईएफ, एलजीबी, एसएमएसआईओ, एम्फेसिस, वीएसटी, एप्पल। समिति सदस्यगण एक, शामराव बीदर दो, रमाकांत नरगुंड तीन, एस नागराज चार, केपी मंडाली पांच, मंजुनाथ चिंतामणि छह, पुते गौड़ा सात, मदन मोहन आठ, नांजुदे गौड़ा नौ, नटराजन दस, रामभद्रया ग्यारह, जीएसएम स्वामी बारह, पॉल तेरह, स्वामी शक्ति चौदह, विद्यानंद पंद्रह, एसएस पाटिल सोलह, निंगे गौड़ा सत्रह, मोहन कृष्ण अठारह, वीबी पाटिल उन्नीस, बाल गंगाधर तिलक बीस, शिवराम इक्कीस, सुब्बाराम शीघ्र ही उपरोक्त सभी प्रस्तावित समिति सदस्यों की एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी। उस प्रस्तावित बैठक के दौरान प्रत्येक को उनके कौशल और अनुभव के आधार पर जिम्मेदारियां दी जाएंगी। यह भी आपकी जानकारी में लाया जाता है कि जिस तरह की समितियां बनाई गई हैं, उसी तरह की समितियां भारत के अन्य सभी राज्यों में भी बनाई जा रही हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी कंपनियां संगठन एक मंच पर आए और पेंशनर्स की मांगों को जल्द से जल्द मंजूर करवाने के लिए एकजुट होकर कार्य करें। विभिन्न सूत्रों से संकेत मिल रहे हैं कि हमारी मांगें जल्दी मंजूर की जाएगी, लेकिन यदि हमारी मांगों का समाधान जल्दी नहीं होता है तो एक साथ एकत्रित होकर जीतने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष करने के लिए हम तैयार रहें। श्री जीएसएम स्वामी ने वीर शिव महासभा के नेताओं को हमारी बैठक के लिए वीर शिव लिंगायत भवन देने के आश्वासन के लिए धन्यवाद दिया व बैठक में भाग लेने और इसे सफल बनाने के लिए सभी नेताओं को धन्यवाद भी दिया। तारांकन एनएसी कर्नाटक की ओर से सभी नेताओं को उनकी भागीदारी और समर्थन के लिए धन्यवाद व सभी से सहयोग व समन्वय की अपेक्षा सहित।
रमाकांत नरगुंड मुख्य समन्वयक दक्षिण भारत।